जेई एडवांस को लेके बहुत से बच्चों के मन में ये कुछ डाउट्स हैं, क्या PYQs करना इनफ रहेगा फॉर जेई एडवांस, क्या हम कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को इग्नोर करके भी IIT तक पहुंच सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस तो आंसर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लेट अस जस्ट एज्यूम कि किसी बच्चे का मैथ्स स्ट्रेंथ है, फिजिक्स में वो थोड़ा वीक है या केमिस्ट्री में थोड़ा वीक है, दो सब्जेक्ट उसका अच्छा है या किसी का एक सब्जेक्ट अच्छा है, दो थोड़ा एवरेज सा है, तो क्या वो बच्चे भी IIT तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा वेल प्लान चलना होगा, दैट्स इट। और सभी तरह का डर यहां से निकाल दे, बिल्कुल फियरलेस होके काम करते जाएं बच्चा, डेडिकेशन के साथ यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। आई बिलोंग टू ए वेरी स्मॉल विलेज, तो उस छोटे से गांव में नहीं कोई टीचर था और नहीं कोई कोचिंग की फैसिलिटी और नहीं मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, सो आई ओनली फॉलोड दोज टेक्स्ट बुक्स एंड कुछ क्वेश्चन बैंक्स मैंने अपने सीनियर से बोरो किए थे एंड आई यूज टू सॉल्व देम बाय माई सेल्फ। मेरे पास कोई था नहीं जो मेरे डाउट्स क्लियर कर पाता, तो आई यूज टू फाइट विद माई सेल्फ एंड फाइनली वो सॉल्व हो जाते थे। तो बच्चे आपके पास तो सारे तरह के रिसोर्सेस अवेलेबल है, ऑल काइंड ऑफ गाइडेंस यू हैव, तो आप तो बहुत इजिली कर सकते हैं, जस्ट दैट यू नीड लिटिल बिट ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। बाहर से तो हम सब मोटिवेट करते रहते हैं लेकिन जब तक कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा ना तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चे टू द पॉइंट। अगर आप ऑन एन एवरेज देखो लास्ट 3-4 ईयर्स, इवन पुराना भी देख लो, जे एडवांस के थ्रू IIT में एडमिशन के लिए अगर हमारा 35% मार्क्स आ जाते हैं, गुड इनफ, वी विल एंड अप रीचिंग टू IIT एंड उससे जितना अबव आता है उतना ही अच्छा, ठीक है। अब 35% को अगर हम टारगेट करके चले कि एटलीस्ट हम एक सीट तो कंफर्म कर ले IIT में, उसके आगे तो जितना और कर पाए उतना ही अच्छा, ठीक है। तो उस 35% को भी हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, लेट्स टेक 40%। हम 40% अगर लाना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा? अब क्विकली आप मुझे बता दें, पर पेपर मार्क्स में हमारे 18 questions इन paper 1, 18 इन paper 2, टोटल ऑफ 36 क्वेश्चन आ गए। अगर मैं 40% लाना चाहती हूँ तो मुझे कितने क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना चाहिए? 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं, 5-6 ही होते हैं, तो उन्हें आप इग्नोर करें, आप ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन में से अगर मुझे 40% को अटेम्प्ट करना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बताएं कितने हुए? 14.4, 15 कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें 15 क्वेश्चन बेयर मिनिमम हमारे पास आ जाए तो उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स का एनालिसिस किया, उसमें आप देखें कैलकुलस सेक्शन में ये चैप्टर्स आते हैं, उसमें सेल्स रिलेशन एंड फंक्शन के एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है और वो क्वेश्चन बहुत इजीली स्कोर हो सकता है, ठीक। लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के 1-3 क्वेश्चन होते हैं, AOD के 1-2 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं, समटाइम्स दे आर वेरी वेरी इजी टू हैंडल एंड समटाइम्स दे आर लिटिल ट्रिकी ऑल्सो। तो अगर मैं उस सेक्शन को पूरी तरह से अभी के लिए नलीफाई भी कर दूं, मतलब 0 मान के चलूं, तब भी देख लेते हैं हमारे कितने मार्क्स इजीली बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कर देती हूँ क्रॉस अभी के लिए कि मैं इसे अटेम्प्ट ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर से कह देती हूँ बहुत से क्वेश्चंस बहुत इजी भी आए हैं, तो हमें ऐसे करके नहीं चलना है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन देखा तो नहीं हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। बेसिक लेवल पे हमारी तैयारी तो है ना, उस तैयारी के दम पे अगर हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं देन व्हाई नॉट, ठीक है। तो कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस भी आए हैं, बट आई एम कंसिडरिंग इट टू बी 0 टू चेक कि इसको इग्नोर करके भी मैं कितने मार्क्स ला सकती हूँ बेयर मिनिमम, ठीक है। डीआई के क्वेश्चंस बच्चे पूरे के पूरे PYQs अगर आप सॉल्व कर लेते हो गारंटीड है आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें और कोई स्कोप नहीं है, हर तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, अच्छे से कर लो PYQ, गुड इनफ। एरिया का क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो, एरिया अंडर ए कर्व, ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मैं बात कर रही हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन 1-2 क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली मोर देन 1 करेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में आते हैं और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीजिंग एंड ऑल दैट। और अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हो तो वो क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। 1-2 दैट इज 3-4-5, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 क्वेश्चंस वेरी इजीली यू कैन सिक्योर फ्रॉम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिनिमम थिंग दैट इज, ठीक है। हमारा टारगेट है 15 क्वेश्चंस का, 5 क्वेश्चन आप बहुत इजीली यहां से ले सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ PYQs को सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है बेटा। अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से किया हुआ है और PYQs कर लिया है, इनफ है इस सेक्शन के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं मोस्टली। सर्कल में कई बार आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का इन्वॉल्वमेंट, तो अगर हम वो सेक्शन कर लेते हैं ना तो इसके क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे। तो आप देखिए 5 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आप कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे सर्कल को इग्नोर भी करना चाहो ना तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तो पूरी तरह से स्कोरिंग सेक्शन होते हैं बेटा, वो आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर से कह रही हूँ सर्कल भी बहुत स्कोरिंग है, सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वाले सेक्शन को करना है, एंड फॉर दैट ऑल्सो आप ऑलरेडी मेड अ शेड्यूल, आई विल शो यू एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट देखें वेक्टर्स, 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री। वेक्टर्स से 2-3 क्वेश्चन आते ही है आते हैं, 3D से 1-2 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री 1-2 क्वेश्चंस, एंड ये पूरे का पूरा स्कोरिंग सेक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बेस्ड होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है।
3D में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्लेन बेस्ड होते हैं, लाइन एंड प्लेन के मिक्सचर पे होते हैं। हाँ, पर्टिकुलरली लाइन पे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में वो होते हैं, ठीक है। और ये सेक्शन छूटेगा नहीं बेटा, PYQ सफिशियंट है। फाइन, कितने क्वेश्चंस हो गए? 2, 1, 1, 4 क्वेश्चंस। पहले हमने 8 ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, राइट? 8 + 4, 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखें, अलजेब्रा सेक्शन, PNC एंड प्रोबेबिलिटी 4 to 5 क्वेश्चंस। और यहाँ पे एज सच ट्रिकी कुछ होते नहीं है, लेंथी कुछ भी नहीं होते, लेकिन हाँ कई बार अगर बिल्कुल नया सा कुछ आ जाता है तो हमें सोचने में टाइम लग जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम इग्नोर भी कर देना बच्चे, जो बहुत थोड़े नंबर में होते हैं, तब भी हम इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, उतना तो मान के चल सकते हैं। सभी क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली PYQ लिंक्ड भी होते हैं, राइट? जैसे डिविजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ऑफन आते हैं, वो बहुत इजिली हम कर सकते हैं। इंटीग्रल सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत इजीली स्कोर हो सकते हैं। देन सिलेक्शन, कंडीशनल सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस इजीली किया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चंस ट्रिकी या डिफिकल्ट नहीं होते, इसमें से कुछ होते हैं, 5 में से आप 1 या 2 मान के चलो, बाकी तो हम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, बाइनोमियल थ्योरम पे कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन जब भी आता है आप बहुत इजीली उसे कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का 2 से 3 क्वेश्चंस, और उसमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन जो प्योरली मैट्रिसेस बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चे, उसमें कई बार हमें सोचने में टाइम लग जाता है, तो मैं उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके चलूंगी। सो आई जस्ट काउंट 1 आउट ऑफ दिस, ठीक है बेटा? एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होता है या ज्योमेट्री बेस्ड होता है, एंड PYQs आर सफिशियंट। इस चैप्टर के PYQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट गो थ्रू, कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। अगर उसका एक्सपोजर आप ले लेते हैं तो इस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीक्वेंस एंड सीरीज का तो बच्चे मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि उसमें ऑल टुगेदर वो बहुत ही डिफरेंट से क्वेश्चंस दे देते हैं और उन क्वेश्चंस में कई बार हमें सोचने में टाइम लग जाता है। पर्टिकुलरली जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, AP GP के ऊपर बेस्ट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो वाले क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, बट स्टिल वी विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। मैंने शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है, वी विल डिस्कस सम स्पेशल सीरीज, ताकि ये सेक्शन हमारा थोड़ा सा इजी बन जाए, और वो भी हम तब अटेम्प्ट करेंगे जब एट द एंड हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, अदरवाइज हम उसे लीव करेंगे, ठीक है? अब देखें यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चंस मिले बेटा, 2, 4 क्वेश्चंस। पहले कितने हो गए थे चेक कर लेते हैं एक बार, 4 क्वेश्चंस आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर बेटा, देन आई टुक 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कैटेगरी, 8 हो गया। यहाँ बेटा 3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलो सर्कल को हम इग्नोर भी कर देते हैं, कितने हो गए? 11। देन हियर 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चंस, वो भी उन कैटेगरी के जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड PYQs के सॉल्विंग से आप स्कोर कर सकते हैं। तो एकदम फियरलेस हो जाएं और अच्छे से बच्चे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ एंड तक वर्क करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपको रिवाइज करने की जरूरत है, गो थ्रू, अदरवाइज स्टार्ट डूइंग PYQs स्ट्रेट अवे ऑफ दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स दैट आई पर्टिकुलरली सेड PYQs आर सफिशियंट। उसके बाद एट द एंड बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे जितना टाइम हमारे पास होगा, एटलीस्ट ये पार्ट हम क्लियर कर ले और उसके बाद फिर हम और मार्क्स इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है? हमारे सिलेबस का कुछ सेक्शंस जो JEE मेन में नहीं था तो हमने उनपे अटेंशन बहुत ज्यादा नहीं दिया था, वो सेक्शंस को पहले हम कवर करेंगे। फॉर दैट आई हैव मेड अ शेड्यूल, जस्ट सी दैट। 3D का बच्चे प्लेन वाला सेक्शंस, और क्वेश्चंस तो मोस्टली प्लेन एंड लाइन के मिक्सचर पे ही हमें मिलेंगे, तो वो चीज हम कवर करेंगे बच्चे ऑन 14th। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स अच्छे से कर लेना है। एक क्वेश्चन तो बच्चे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का भी आता है, और इनडायरेक्ट यूज बच्चे स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल वाले चैप्टर्स में तो आते ही है, सेंटर्स का जहां इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है ना? देन कोनिक सेक्शंस में हमने टेंजेंट, नॉर्मल एंड देयर रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया था, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर बेस्ट ही होते हैं, तो उसे हम कवर करेंगे। तो इसके लिए आप देख लें, दिस इज ऑन 16th बच्चा, 18th ऑल्टरनेट डेज, एंड देन सीक्वेंस एंड सीरीज का स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज वी विल डिस्कस। AP GP पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो सिंपल सेक्शन है, वो बहुत इजिली आप कर सकते हैं, दैट विल डू ऑन 20th। तो इसके बाद मुझे लगता है कॉन्सेप्चुअली तो फिर कुछ भी लैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब कुछ हम JEE मेन से पहले डिटेल में कर चुके हैं। हर एक चैप्टर में JEE एडवांस के लेवल का थ्योरी हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आप वो रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं एंड यू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, तो थ्योरी पार्ट हमारा 100% कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद PYQs थरोली कम्प्लीट करेंगे, वो होने के बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, ठीक है? एंड मॉर्निंग में जो 5 AM के मैंने क्लासेस शेड्यूल किए हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही करेंगे, वो भी स्पेसिफिकली टारगेटिंग जिन जिन तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को करने में या सोचने में दिक्कत आ सकती है। बस आपको इतना ही करना है बच्चा, एंड इट इज माय रिक्वेस्ट बेटा, JEE एडवांस तक कोई भी नेगेटिव चीज आपके एग्जाम को लेके या आपके प्रिपेरेशन को लेके नहीं सुनना है और नहीं बात करना है, ये सब इफेक्ट करती है हमें यहाँ पे। और टफनेस की जहाँ बात होती है किसी भी एग्जाम की, वो तो पर्सन टू
पर्सन वेरी करेगा ना बच्चे, ये तो सब्जेक्टिव चीज है, आपकी तैयारी कितनी है उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अब कोई एक फिजिकली वीक पर्सन है और दूसरा बहुत स्ट्रांग हेल्दी पर्सन है, मैं उनको एक ऑब्जेक्ट 20 kg का दे देती हूँ दोनों को उठाने के लिए, द पर्सन हु इज वीक फिजिकली विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट इट, वेयर इज अ पर्सन हु इज स्ट्रांग, उसके लिए तो बहुत इजी टास्क होगा। उसी तरह से बच्चे सब्जेक्ट्स में कोई कहता है ये टफ है ये इजी है, उन पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो चीज किसी और के लिए डिफिकल्ट है ना वो हो सकता है हमारे लिए इजी हो, एंड इनफैक्ट होगा अगर हम मेहनत कर रहे हैं, एंड हर वो चीज जो आज हमें डिफिकल्ट लग रही है अगर हम उस पे वर्क कर रहे हैं दैट इज बाउंड टू बी इजी फॉर अस आफ्टर ए व्हाइल। लेकिन अगर टफ है टफ है टफ है इसी सोच के साथ बैठे रहेंगे एंड उस पार्ट पे अटेंशन ही नहीं देंगे तो कहां से होगा फिर। ठीक है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बस स्टे मोटिवेटेड, यू ऑल कैन डू। जब भी आपको डाउट आया ना कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जस्ट ब्रिंग माय पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, ए पर्सन लाइक मी कुड डू, यू कैन वेरी वेल डू इट, दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू से टुडे। ठीक है।